नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों की ओर। अगर देर रात के वक्त आप भी देश की राजधानी दिल्ली में कैब का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे गिरोह हैं जो कैब में बिठाकर सवारी को बंधक बनाकर उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बदमाशों को धर दबोचा है। बदमाशों के पास से 2 कार, 1 स्कूटी, 8 मोबाइल, 4 ATM और गोल्ड ज्वेलरी भी बरामद की है। पेश है आरबीएम न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। 6 अगस्त में एक केस हुआ था जिसमें जो एक विक्टिम थे उनको और उसके बाद उनकी बिलोंगिंग्स छीन ली थी और उनके ATM से लगभग 15,000 रुपये निकलवा लिए थे। उसके बाद हमने केस दर्ज किया था मधुबिहार थाने में। उसके बाद से हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम उस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। कुछ क्लूज मिले थे जिसको डेवलप किया गया, लीड्स को डेवलप किया गया और 3 लोगों को पकड़ा है अभी। ये तीनों त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। इनके अभी जो बाकी साथी हैं, कुछ और भी साथी हैं इनके, अभी हमने 3 लोगों को पकड़ा और इनके पास से जो गाड़ियाँ यूज़ करते थे क्राइम में, 2 गाड़ियाँ बरामद की गई हैं। एक स्कूटी इन्होंने खरीदी थी रिसेंटली, वो बरामद किया गया है। मोबाइल्स बरामद किए गए हैं चोरी के, जो इन लोगों ने छीने हैं अलग अलग जगह से। और टोटल हमारे 4 केसेस हमारे वर्कआउट हुए हैं इसमें, जिसमें से एक रॉबरी गाजीपुर की भी है और बाकी ये मालूम चला है कि पिछले 1 साल से एक्टिव थे इस एरिया में, दिल्ली NCR एरिया में, और काफ़ी सारे इंसिडेंट से लोग कर चुके हैं। अभी इनकी और इन्वॉल्वमेंट के लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं उनके लिए भी रेड्स की जा रही है। अक्षरधाम के पास अभी हाल फिलहाल में काफ़ी हाईवे की घटना बढ़ गई थी स्नैचिंग की, क्या इनका किसी घटना में कोई रोल है? बिल्कुल है इन लोगों का अक्षरधाम का। इमिडिएटली तो हमें अभी इनका जो कनेक्ट नहीं मिला है, बट अक्षरधाम से इस तरफ जब आते हैं, हम आगे चल के आते हैं मधुविहार की तरफ कर लेते हैं, वहाँ की 2 वारदातें इन लोगों से वर्कआउट हुई। इनका मोटिव क्या था और प्रोफाइल क्या है? स्कूल ड्रॉपआउट्स हैं ये लोग और इनमें से एक लड़का जो सतेंद्र है उसकी पूरी वैसे इन्वॉल्वमेंट भी रह चुकी है और कुछ काम ये लोग करते नहीं हैं। इनका जो प्रोफाइल है सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल काफ़ी लो है, तो जो पिक मनी के लिए इन लोगों ने इस तरह से गैंग बनाया और उसके बाद इस तरह की रॉबरी करनी शुरू की। रॉबरी के अंदर कौन से वेपन का इस्तेमाल करते थे? ये इनके पास वायर कटर और उस तरह का वो है, कटर्स हैं, नाइफ्स हैं। कोई ऐसी घटना सामने आई है कि जिसमें इन्होंने किसी का चाकू मारा हो? अभी अभी के जो है प्रेजेंट उसमें तो इन्होंने उसको बंधक बना के ये दोनों वारदातें की थी, गाजीपुर की और मधुबिहार की। इस तरह से कोई इंजरी तो जो मामूली इंजरी थी, बट ऐसे चाकू मारने वाली कोई बात नहीं है। इस जो हमें लग रहा है इन्होंने और भी किए हैं पूछताछ में बताया है, उसके लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दिल्ली से संवाददाता अदिति की रिपोर्ट, आरबीएम न्यूज इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आरबीएम न्यूज। नमस्कार।